fund them, facilitate them, guide them, advise them. These problems ये हमारा रहेगा. हमने इसके लिए सोचना भी है. हमारा एक ईस्टर्न बॉर्डर भी है, वहाँ पे कुछ अरसा पहले द बॉर्डर बिकेम, वहाँ के इश्यूज थे, तो फोर्सेस का मूवमेंट फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर इज अ नॉर्मल. वो अपने हालात को देख के करते हैं. बट वी एज अ पुलिस फोर्स, हमने अपनी असेसमेंट करनी है कि हाउ डू वी फिल इन द गैप्स. जब फोर्स मूव कर दिए एक एरिया से तो पीछे गैप छोड़ दिए, उस गैप को प्लग करना पड़ता है. उसके लिए हमने केपी पुलिस ने गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस किए हैं और सीएम साहब की पजीराई इसमें हमें हासिल है. हमने 34 नए आरआरएफ यूनिट्स इस्टेब्लिश करने का इरादा है हमारा, जिसका केस ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में है. और बेसिकली ये आरआरएफ यूनिट्स आप देखें, इंसिडेंट्स देखें, मलकंड के जो एरियाज हैं, लोअर बीर मैदान, बुनेर, ये इन एरियाज में हम इनको डिप्लॉय करें. एनएमडीज चूंकि अभी तक वहां पे फोर्सेस हैं और चूंकि हमने गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बर्डन को भी देखना है, तो इमीडिएटली हम पहले सेटल्ड एरियाज में डिप्लॉय करेंगे. और सेकंड एरियाज में चूंकि वहां पे एनएमडीज में हमें वी हैव सब्सटेंशियल फोर्सेस, वेदर दे बी आर्मी और फ्रंटियर कोर, तो वो फिर हम वहां पे हमारे पास कुशन है. सेटल्ड एरियाज के लिए हम ये इनको मूव करेंगे. शुहदा, आज अगर केपी पुलिस अच्छा माना, यानी उसका अगर एक नाम है, तो मैं उसमें कहूंगा कि 90% क्रेडिट जो है वो शुहदा की वजह से. ठीक है, केपी पुलिस के बिहेवियर अच्छा है, केपी पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, केपी पुलिस के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अगर मैं वजन करूं तो जो कंट्रीब्यूशन शुहदा की है वो आउटवे करती है इन सबको. तो ये उनके जो पीछे जो उनके वरसा रह गए हैं, उनके बच्चे हैं, ये हम पे फर्ज हैं कि हम उनका लुक आफ्टर करें. हमने इसमें केस मूव किया हुआ है. लॉ डिपार्टमेंट की इस पर थोड़ी सी हमारे साथ तरीक़ेकार पे रिजर्वेशंस हैं, जो कि इंशाल्लाह जल्द ही हम वर्कआउट कर लेंगे. और हम परसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इंशाल्लाह हम उनके लिए ASIs, उनके वार्ड्स को हम पुलिस में भर्ती करेंगे. इसके साथ साथ कई कॉन्स्टेबल्स की पोस्टों पे भी इंडक्ट हो गए हैं, जूनियर क्लर्क्स भी हो गए हैं. लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि इनमें जो इनको एज ASIs पुलिस में इंडक्ट किया जाए. शेड्यूल 4 के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि हम उस लिस्ट को रैशनलाइज करना चाह रहे हैं. उस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, कई नाम हैं जो नहीं हैं जो होने चाहिए. उसके लिए हमने एक प्रॉपर क्राइटेरिया डेवलप किया है. आज के RPOs कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कस हुआ है और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल रैशनलाइज दिस लिस्ट. जो नाम हमने निकालने हैं विद दी ये होम डिपार्टमेंट के थ्रू हम नाम डालते हैं और निकलवाते हैं, तो जो नाम हमने इससे निकलवाने हैं और जो हमने अगर कोई डालने हैं, तो वो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस. ये एक बड़े एक आउटस्टैंडिंग इशू आ रहा था कि दिस लिस्ट नीडेड टू बी रैशनलाइज्ड.
CTD is giving full support to FATF related interventions. FIRs दर्ज कर रहे हैं अगेंस्ट प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी एसेट्स जो कि फ्रीज हुए हैं उनके खिलाफ. डेली मैं अपनी क्राइम डायरी में देखता हूँ, केसेस आर बीइंग रजिस्टर्ड, कल भी हुए हैं कोई छः, रोज़ाना हो रहे हैं. तो वी आर वर्किंग अंडर द अम्बरेला ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दैट, एंड वी आर नॉट, पुलिस एंड CTD इज़ नॉट द ओनली डिपार्टमेंट इन इट, उसमें और भी महकमे हैं. जो फ्यूचर के लिए इनिशिएटिव्स हैं, जो नई चीजें हम करना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है डिजिटल पाकिस्तान. डिजिटल पाकिस्तान में रहने के लिए डिजिटल का फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक तो आपको डाटा स्टोरेज बड़ी आसानी होती है, दूसरा कम्युनिकेशन का रिले जो है वो बड़ा फास्ट होता है, तीसरा अगर आपने डाटा सर्च करना है, रिट्रीव करना है या सॉर्ट करना है वो बड़ी आसानी होती है आपको. तो जाहिर है इसके जो डाटा बेसिस के डिज़ाइन हैं दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात ना बन जाए. तो उसके डिज़ाइंस पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं. मुख्तलिफ KP पुलिस में मुझसे पहले जो IGs रहे हैं उनके ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव्स आई हैं और उसका फ़ायदा भी आज हमें हो रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद हम कर रहे हैं और जो चंद दिनों में आप देखेंगे कि हम उसको लॉन्च करेंगे फॉर्मली, वो है e-ticketing का. इनफॉर्मली ये लॉन्च हो गया है और अब तक इसमें से कोई 2.5 लाख के करीब टिकट्स इशू हो गए हैं. तो वो टेस्ट एंड ट्रायल में ये हो के अभी इसको हम फॉर्मली लॉन्च करेंगे. हम चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और उसके लिए हम एक प्रॉपर लॉन्च फंक्शन करेंगे इसका. इसके साथ साथ एक नया हम इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव करेंगे, रोविंग आई. रोविंग आई जो है वो ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन करने के लिए होगा. आप देखते हैं कि पेशावर शहर में ज़ाहिर है जब कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है तो फिर कुछ अरसे के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस भी होती हैं सड़कों पे, लेकिन हमें ट्रैफिक को फ्लो चलाना है, हमने अपने वसाइल में रह के हमने इसको चलाना है. तो ट्रैफिक बॉटल नेक्स को रिमूव करने के लिए प्लस सर्वेलेंस, कीपिंग अ मोबाइल सर्वेलेंस ऑन डिफरेंट एरियाज, रोविंग आई विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक प्लस इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस. इसी के साथ हम जो चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि पेशावर टू DI खान जो इंडस हाईवे है, इसकी इम्प्रूवमेंट और इसकी जो रोड इंजीनियरिंग है, और इसके साथ ही साथ साथ हम कीपिंग पेस विद देम, वी आर वांटिंग टू क्रिएट अ न्यू ट्रैफिक पुलिस फॉर इंडस हाईवे. और हमारी कोशिश ये हो कि हम अगर फुली मोटरवे की तरह इसको रिसोर्स ना कर सकें, लेकिन उसी टेम्पलेट पे और वही खाका स्केच सामने रख के उस पर हम इसको डिज़ाइन करें, एक सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग हो, लोगों को इसका फ़ायदा हो. और इसके साथ साथ एक अलहदा जो इनिशिएटिव है जो पूरे पाकिस्तान में है, जिसको नाम दिया गया है मेरा बच्चा. आपको पता है कि जब से ये डिजिटल आलात आए हैं और डिजिटल मीडिया, तो साथ साथ उसके एक प्रॉब्लम ये आया है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके खिलाफ यू नो जो वी नीड टू प्रोटेक्ट दोस चिल्ड्रन, वो वायलेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स. वो इंसिडेंट्स पंजाब में भी हुए हैं, सिंध में भी हुए हैं, हमारे KP में भी हुए हैं, लेकिन KP में अल्लाह का करम है कि जितने केसेस हुए हैं उसमें से 99% हमने ट्रेस किए हैं, और जहाँ पे कोई शक शुबा है तो उसको हम दोबारा री इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं. लेकिन ये एक पूरा एक इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक मीटिंग चेयर की है जिसमें
उन्होंने टास्क किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को और इंटीरियर को कि इस पे एक जामिया प्लान बनाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर चिल्ड्रन. तो केपी पुलिस इज गोइंग टू बी फुली पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इसका एक सॉफ्टवेयर बना है, एप्लीकेशन बना है जिसमें प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट को लिंक किया गया है. एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री बनेगी जिसमें ऐसे ऑफेंडर्स जो इसमें इन्वॉल्व हों क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, तो उनके नाम दर्ज होंगे. तो इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम आगे लेके बढ़ के चलेंगे. जी सर, थोड़ा सा बताइएगा तो आपको शुक्रिया सर, सर 2013-12-14 कौन देखे तो पेशावर में जो बुकिंग होती थी उसको बताया जाता था, ये डेटा बनाया जाता था कि पेशावर में इतनी तंजीमें इस पर काम कर रही हैं आगाही के तौर पे लोगों को अपडेट करने का. अब तक की क्या हालात है, रवा साल कैसा गुजरा, इसके हवाले से बताइएगा. अब कितनी मुल्की गैर मुल्की कौन सी तंजीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, कुछ का डेटा होगा पॉकेट सोन के जो यहाँ पर अभी भी हैं मोबाइल में आपकी पुलिस है सर, इसके हवाले से कुछ बुकिंग जी. जो ईयरली फिगर्स डेटा है वो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में उस पर एक अलहदा आपके साथ शेयर किया जाएगा और एक सिटिंग होगी. ये दिस वॉज बेसिकली जो थी वो ये NMDs के हवाले से और जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं DRCs और ये बेसिकली ये इस पर थी. वो जो है वो इस साल भी बना है और वो फाइनल उसमें है, स्टेजेस में है. दैट विल बी शेयर्ड सेपरेटली विद यू. जी इस साल अगर मैं आपको आपने बात सही की है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और जो दूसरा वायलेंट क्राइम है उसको भी हमने टैकल करना है. मैं अभी इसी ब्रीफिंग में मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे DIG CTD ने हमें ब्रीफिंग दी और जो फिगर्स हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन के वो कम हुए हैं. स्ट्रीट क्राइम्स में मुझे कई ऐसे इंसिडेंट्स लगे हैं जो कि काफ़ी मतलब दे वर अ बिट सेंसेशनल एंड दे नीडेड अ रिस्पॉन्स. सिटी में हमारे जो नए CCPO हैं इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. उससे पहले जो CCPO थे उन्होंने एक वो राइडर्स का स्क्वाड बनाया था. और ये आप देखें कि अर्बन क्राइम जो होता है उसका नेचर रूरल क्राइम से डिफरेंट होता है. और ये स्ट्रीट क्राइम्स इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये बाकी बड़े शहरों में भी होता है. लेकिन इसका तदारक जो है प्रिवेंशन से भी है, लेकिन प्रिवेंशन से ज़्यादा जो मैं अपने ऑफिसर्स को कहता हूँ वो है डिटेक्शन. जब आप डिटेक्शन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, जब आप डिटेक्ट करते हैं एक गैंग को गिरफ्तार करते हैं तो वो फिर जो वारदातें जो सारी बताता है आपको जो की होती है, तो फिर आपको एक पीरियड के लिए आपको एक सुकून मिलता है जब तक कि कोई नया गैंग नहीं आता. तो आई एम ऑन इट. काफ़ी गैंग्स इन्होंने पकड़े भी हैं, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि मर्दान में. कार लिफ्टर्स का गैंग हो और उसमें जो भी इन्वॉल्व हो हम उसके खिलाफ एक्शन लें, चाहे उसमें पुलिस का ही कोई ना हो, तो वी विल नॉट स्पेयर देम. आई हैव टू क्वेश्चंस सर. वन इज रिगार्डिंग NMDs के आपने जो स्पेशल ग्रांट का जिक्र किया है वहाँ पे हालात के लिए और उनके डिफरेंट, एक तो सर उसका बताएं वो कितनी ग्रांट आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिमांड की है. सेकंड वन इज जो ये 21 जो दहशतगर्द है ये भाई कायरा ग्रुप जो है, इसका सर ये बताएं इनका जो हेड था क्या उसको भी मार दिया गया, ये स्टिल वो वांटेड है पुलिस को? वो ही इज वांटेड, ही इज वांटेड बट कब तक? He can run but he cannot hide. And inshallah, वो दिन दूर नहीं है when we will get him. क्योंकि उसके जो main जो कारिंदे थे वो we've taken them out. वो मार दिए गए सर. जी दूसरा जो है तकरीबन जो grant है जो strengthening of police and NMDs है वो कोई $1 billion+. $1 billion+. सर जैसे आपने बताया कब्जा ग्रुप के हवाले से, इस तरह कोई फिगर है कि पेशावर समेत पूरे सूबे में कब्जा ग्रुप से कितनी अराजी जो है वो उजागर कराई गई है,
एग्जैक्ट तो मेरे पास वो उसके यानी एकरेज या कनाल्स वो हम कैलकुलेट करके आपको दे सकते हैं, लेकिन अच्छा ही आपने ये क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि मैं इसके साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कब्जा ग्रुप का जो प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती, इसमें हमें रेवेन्यू की फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये एक इशू होता है टाइटल का। पुलिस का सिर्फ तलक है पोजेशन के साथ कि पोजेशन किसके साथ है या डिस्पोजेस किसको किया है। अगर आप कानून को देखें तो कानून में आपके पास या 145 है सीआरपीसी जो पुलिस के पास है, या वो जो दूसरा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट बना है 2005 का, उसमें सेशन जज इज दी अथॉरिटी जिसको दरख्वास्त भी दी जाती है और जो तफ्तीश भी करवाता है पुलिस से, और फिर तफ्तीश की फाइनल रिजल्ट भी उनके पास जाता है। और तीसरा जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 9। तो मेरे ख्याल में जैसे आइस के ऊपर हमने एक नई लेजिस्लेशन लेके आए हैं, आइस पहले नरकोटिक सब्सटेंस नहीं कंसिडर हो रहा था जिसका बेनिफिट सारा उनको जा रहा था, क्योंकि इसमें जो प्रीकर्सर एलिमेंट्स थे जो आइस जिनसे बनती है उनके और भी यूजेस थे, जेन्युइन यूजेस थे। तो दिस इज समथिंग सिमिलरली टू काउंटर दीज कब्जा ग्रुप्स वी नीड अ स्ट्रॉन्गर लॉ जो कि क्विक हो और जिसके रिजल्ट्स जल्दी सामने आए। सर, चराई पर काबू पाने के वास्ते कोई नई स्ट्रेटजी बनाई गई है? इस तरह अफवाह भत्ते में कमी आई है तो दीगर जराइम की शरह में इजाफा हो, अगर किसी जुर्म की शरह में हुआ तो फिर काबू पाने की नई स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल है। देखें जी, एक तो ये है कि हम परफॉर्मेंस जो आपको पता है कि पहले नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस वाज अ बिग इशू, बर्किंग जिसको कहते थे, तो हमने इनको कहा है कि भाई आप फ्री रजिस्ट्रेशन करें और जो अगर पुलिस के पास नहीं रजिस्टर कर पा रहा तो वो जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A में भी दरख्वास्त दे सकता है। तो वी डोंट गेट अपसेट विद इट। इसमें अलबत्ता एक चीज है जिसने हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो कल्चर है वो चेंज किया है, और वो एक रिसेंटली डिसाइडेड केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसको सोगरा बीबी केस के नाम से जाना जाता है, कि एक ही एक वकूए का एक एफआईआर होगा, दो नहीं हो सकते। और उसमें फिर आगे ये भी हिदायत है, गाइड यानी डिक्लेरेशंस हैं कि वर्जन्स आप ले सकते हैं लेकिन तफ्तीश वो इंडिपेंडेंट करेगा, अपने माइंड से करेगा, फैक्ट्स के ऊपर करेगा, कलेक्ट करेगा एविडेंस। और तीसरा ये जरूरी नहीं है कि जिसका नाम एफआईआर में आ जाए तो उसको अरेस्ट करना लाजिम है, नहीं, जब तक उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा ना हो जो कि बादियों नजर एस्टेब्लिश करे कि हाँ ये इसने ये क्राइम किया है, या अगर इसको गिरफ्तार ना किया तो ये भाग जाएगा, तब तक उसको अरेस्ट नहीं करना। तो ये एक कल्चर चेंज करेगा तफ्तीश का। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का तलक है तो आई एम ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज द इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑफ केपी पुलिस। ठीक है, केपी पुलिस एक्ट के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन विंग बना है, उसके अंडर एक क्राइम ब्रांच बननी है, प्रोविंशियल क्राइम्स ब्रांच, और प्रोविंशियल क्राइम्स ब्रांच के साथ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनने हैं फॉर स्पेशल नेचर ऑफ क्राइम्स। तो उस पे ऑलरेडी हमारी एक पुलिस पॉलिसी बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है और इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। सर, शेड्यूल बोर्ड में सर देखिए सर, टेन केस टेस्ट होते हैं उसको 80% अफवान मजर उसके लिए भी अलाइनमेंट सर, शेड्यूल 4 में भी सर राउंड अबाउट 26 अफवान ज्यादा हैं। जी हां, जी कोई कोई खास ऐसे बंदे होंगे ये शेड्यूल 4 में? जी कोई 3,700 के करीब लोग हैं, और जिसमें अफगान्स भी हैं जैसे आपने कहा,
ये हम जो रिव्यू कर रहे हैं और ये जो दो हफ्ते में इनको टाइम दिया है कि हर एक डीपीओ अपने जिले में एक मीटिंग रिव्यू मीटिंग करेगा, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के से मदद लेगा और इसको रिवाइज करेगा। तो बेसिकली हम इसको इसमें सिर्फ उन लोगों को रहने देंगे जो कि सेक्शन 11EE एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको होना चाहिए। सर फैक्टर्स ऑफ दिस अहम इशू है, आगे फिर आ रहे कि दाखा है फैक्टर्स क्या किया जा रहे, इकदामात किए जा रहे हैं फेटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। फोकल इसमें जो मिनिस्ट्री है वो इंटीरियर है, प्रोविंशियल लेवल पे चीफ सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी बनी है, होम सेक्रेटरी, आईजी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बेसिकली उसमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनके कुछ पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो अलहदा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे जिन पे वो उनके साथ काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारे एक बाजार का जिक्र आया था पेटेप के हवाले से, तो ऐसा तो सिस्टम है इस बाजार को कंट्रोल करने का? या ओके वो कहाँ, हाँ वो बेसिक, हाँ बिल्कुल वो उसमें ये है कि जी FIA ने काफ़ी इसमें एक्शंस लिए भी हैं और मजीद भी लेंगे। बेसिकली ये उनका मैंडेट है और वी आर देयर टू सपोर्ट दम। सेफ सिटी, सेफ सिटी के हवाले से, सेफ सिटी के हवाले से, सेफ सिटी हैज़ बीन ए सक्सेस स्टोरी इन लाहौर और मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने वो सेफ सिटी, हाँ उसको हम बुला रहे हैं KP में, इंशाल्लाह ही विल सून बी पार्ट ऑफ आर टीम और ही विल बी लीडिंग आर इनिशिएटिव। इसमें गवर्नमेंट इज कमिटेड, उसकी सारी बेसिक वर्किंग हो गई है, उसमें ऑप्टिक फाइबर ले होना है, उसमें कैमराज इंस्टॉल होने, तो गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट। सर ये पेशावर में जो अटैक्स हुए हैं सर, जो हाई कोर्ट के बाहर उसमें भी अफगान थे, हैदराबाद में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी हमें वही से लिंक्स मिले, अभी सर रिसेंटली लक्की में जो सुसाइड अटैक हुए और जो मलकंड में जो पुलिस को टारगेट किए हैं, इन टारगेट्स के पीछे सर कौन से नेटवर्क्स हैं? हाँ देखें, ये अभी रिसेंटली यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ रिक्शे में, ब्लास्ट हुआ, अल्लाह ताला का करम है वो हमें क्लूज मिले, हमारी टीम्स ने, और मैं सिर्फ पुलिस का नहीं कहूँगा, CTD का नहीं कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का नहीं कहूँगा, हमारी एजेंसीज ने, हम सब मिल के काम करते हैं और हम में कोई तदारक या कोई फ़र्क नहीं होता, कोई वी हैव अ वेरी गुड सीमलेस कोऑर्डिनेशन। तो वो वी अरेस्टेड द मेन, उसका जो था, एंड यू आर राइट। तो मैंने जो शुरू में बात की कि जब तक सेफ हेवन है और हॉस्टाइल एजेंसीज आर देयर टू गिव देम डायरेक्शन एंड फंड देम एंड फैसिलिटेट देम, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट जी सर ये बताइए, क्योंकि इनका रिपोर्ट बनानी है हमें और कल उसको आनिया करना है, तो एक तो सर ये थोड़ा सा डेटा चाहिए था जी। डेट आपको दो दिनों तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। जैसे मस्जिद में अगर आप देखें तो इस वाकयात में कि ऑपरेशन कर दिया, दो ही तंजीम में उन्होंने खास इनको गेट्स की है, उन गेट्स को वो निशान बना दिए। अब कल जो है वो क्रिसमस आ रही है, उसके बाद नए साल की आमद है, तो क्या इसके लिए कोई प्लान है? जी क्रिसमस के लिए हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके जो MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, उनकी मेरे साथ मीटिंग हुई है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम, हम उनकी खुशी में शरीक होंगे और हमने उनके लिए स्पेशल पुलिस प्लान बनाया है उनकी सिक्योरिटी के लिए। और आप ही के फोरम से आई विश देम अ हैप्पी क्रिसमस टुमारो। जहाँ तक बहादुर फोर्स के सर जवान हैं, स्पेशल फोर्स के लिए ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में ये ऐलान किया था, उसके बाद उनके रूल्स बन गए हैं और वो कमेटीज़ बनी हुई हैं, तो और वो भी काम कर रही हैं। तो जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन ये NMDs की कमेटी से फारिग होते हैं
تو نیکسٹ اسٹیپ میں ان کو کریں گے. حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں, اپنے عمر کا احساس بتا رہے ہیں, آپ کیا سمجھے تھے کتنی صداقت ہے اس میں سر؟ دہشت گرد دوبارہ نیٹ ورک طریقے کے ساتھ پہلے ایک وقت میں ایک بات ہو رہی تھی 27-28 کے قریب غیر ملک کی ایجنسی ایکٹیو ہیں, ایسا کوئی فکر ہے؟ دیکھیں تھریٹ الرٹس ہمیں ریگولرلی موصول ہوتی ہیں اور ہر ایک تھریٹ الرٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں اور اس کا ایک سٹرکچرڈ رسپانس دیتے ہیں. تو تھریٹ الرٹس آتی ہیں, ہم اپنے کاؤنٹر میجرز لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اسی کے ساتھ تھینک یو ویری مچ.